हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। आज इस वीडियो में हम कुछ इन्फॉर्मेटिव फैक्ट देखने वाले हैं। हम कुछ ऐसे शॉर्ट वर्ड के बारे में बात करेंगे जिससे आप अक्सर यूज़ करते हैं, बट हो सकता है उनके फुल फॉर्म आपको पता ना हो। तो चलिए आज हम उन फुल फॉर्म को भी समझ लेते हैं। हमारा फर्स्ट शॉर्ट वर्ड है EVM। EVM जब भी चुनाव का माहौल आता है तो आप इस वर्ड को जरूर सुनते हैं कि EVM मशीन से वोटिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये कॉन्ट्रोवर्सियल मुद्दा हमेशा रहता है। तो EVM जो वर्ड है इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अगला वर्ड है SMS। अब SMS तो मोबाइल से जुड़ा हुआ हर इंसान यूज़ करता है, तो SMS का भी फुल फॉर्म जान लेते हैं। SMS का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। नेक्स्ट शॉर्ट वर्ड है ICU। जब भी हॉस्पिटल की बात आती है तो वहाँ पर आप ICU वर्ड को जरूर सुनते हैं, और वैसे भी अभी तो कोविड का केस चल रहा है, कोविड की वजह से हम ICU वर्ड को बार बार यूज़ करते हैं और सुनते हैं। ICU का फुल फॉर्म होता है इंटेंसिव केयर यूनिट, इंटेंसिव केयर यूनिट। ICU हॉस्पिटल में एक ऐसा सेपरेट चेंबर होता है जहाँ पेशेंट को स्पेशल अटेंशन दिया जाता है, स्पेशल केयर किया जाता है। अगला वर्ड है DM। DM का फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। फिर इसके बाद हम देखते हैं CID। CID का फुल फॉर्म होता है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। जब भी कोई क्राइम काफ़ी ज़्यादा खतरनाक रहता है या जिसका सुराग आसानी से नहीं मिलता है तो उसके लिए उस केस को CID को हैंडओवर किया जाता है ताकि उसके लिए स्पेशल तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जा सके। तो ये एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए स्पेशल तरीके से ट्रेंड होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं PWD। PWD का फुल फॉर्म होता है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। फिर नेक्स्ट है DIG। DIG का फुल फॉर्म होता है ड्यूप्टी इंस्पेक्टर जनरल, ड्यूप्टी इंस्पेक्टर जनरल। अगला वर्ड है DSLR। तो DSLR कैमरा का आपने कई बार जिक्र किया होगा, उसके बारे में आपने सुना होगा या हो सकता है पर्सनली आपने यूज़ भी किया होगा। तो चलिए समझ लेते हैं कि DSLR का फुल फॉर्म क्या होता है। DSLR का फुल फॉर्म होता है डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स, डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स। नेक्स्ट वर्ड है FIR। जब भी पुलिस केस से रिलेटेड कुछ भी बात आपको सुनने को मिलती है तो वहाँ पर आप FIR वर्ड को जरूर सुनते हैं। FIR का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। किसी भी अपराध के तहत पुलिस को जो पहली सूचना दी जाती है उसी को हम कहते हैं FIR। अगला वर्ड है RIP। जब भी किसी का डेथ होता है तो उसके लिए हम RIP वर्ड का यूज़ करते हैं। पर्सनली जब मैं अपने स्कूल लाइफ में था तो मैं भी इन वर्ड्स को यूज़ करता था, बट मुझे फुल फॉर्म नहीं पता था। तो चलिए इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। RIP का फुल फॉर्म होता है रेस्ट इन पीस, रेस्ट इन पीस। इसका मतलब होता है उनकी आत्मा को शांति दे। फिर हम यूज़ करते हैं ATM। ATM का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। और लास्ट वर्ड हम यूज़ करते हैं DJ। तो DJ वर्ड का यूज़ तो हर कोई करते हैं। जब भी कोई भी हैप्पीनेस वाला माहौल आता है तो हम लोग DJ में डांस करते हैं, तो उसके लिए हम DJ का यूज़ करते ही हैं। DJ का फुल फॉर्म होता है डिस्क जॉकी, डिस्क जॉकी। तो ये थे हमारे आज के कुछ इन्फॉर्मेटिव फैक्ट्स। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव फैक्ट हम आपको और प्रोवाइड करते रहेंगे जो आप अपने लाइफ में यूज़ करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।